अब तक आपने मछली, बकरे और कभी कभार गाय या भैंसों का भेजा खाते हुए लोगों को देखा होगा और सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई बंदर का भेजा खाता है? यक, बंदर का भेजा यकीनन नहीं, लेकिन असलियत तो ये है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे लोग खाना पसंद नहीं करते। बंदर तो बंदर, लोग तो इंसान को भी खाने से नहीं कतराते, लेकिन किसी को मार कर खाना तो समझ में आता है, लेकिन जिंदा बंदर का भेजा खाने का स्टाइल सोच कर ही उल्टी आती है। लेकिन ये सच है कि चीन, इंडोनेशिया सहित अन्य कुछ देशों में बंदर के दिमाग को खाने की परंपरा है। वहाँ लोगों की मान्यता है कि बंदर के ब्रेन को खाने से नपुंसकता नहीं आती है। यहाँ ये बात गौर करने की है कि ये एक परंपरा है, यानी कि लोग दिमागी रूप से असक्षम या पागल होने पर नहीं, बल्कि पूरे होश हवास में बंदर के दिमाग को खा जाते हैं। यहाँ बंदर के दिमाग को खाने के तीन तरीके हैं। पहला, लोग उसके दिमाग को पका कर खाते हैं। दूसरा, कच्चा ही खा जाना। और तीसरा तरीका तो सबसे ही भयानक है, यानी खाने की टेबल पर जिंदा बंदर के सर को हथौड़े से तोड़ा जाता है, वहीं उसके ब्रेन को चम्मच से निकाल कर खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बंदर का दिमाग खाने वाला अनपढ़ या गवार होता है, बल्कि ये काम कई शिक्षित लोग भी करते हैं। बकायदा होटल और रेस्टोरेंट में इसे एक मीनू के रूप में पेश किया जाता था। हालांकि इसकी वजह से इन देशों में बंदरों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई, जिसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नपुंसकता तो बहाना है, खुद को नपुंसकता से बचाने के लिए बेजुबान जानवरों को जिंदा खा जाना न जाने कैसे परंपरा में शामिल हो गया। दरअसल ये कोई परंपरा या संस्कृति नहीं होती है, बल्कि ये उन लोगों के टोटके होते हैं जो बंदरों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। आज बाजार में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आदमी सिर्फ वहम की वजह से खरीदता है। आज अगर आप मिट्टी को भी सोना बताकर लोगों को बेचेंगे तो वो उसके लिए भी बोली लगा देंगे। इंसान की आंखों पर अंधविश्वास की जो पट्टी बंधी है, उसे खोल पाना बेहद मुश्किल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।